नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बदर्स ट्यूब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत दुनिया में आज चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बन के उभरा है। चाहे वो स्थल से लेकर जल हो या फिर वायु से लेकर महाकाश तक, भारत आज दुनिया में अपना पहचान बनाया है। इसी कड़ी में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए भारत के अपने बनाए हुए पहले परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत सोमवार को अपना पहला अभियान पूरा करके वापस लौट आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के दिन देशवासियों को INS अरिहंत समर्पित किया। पीएम मोदी ने लोगों को बधाई देते हुए इसे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दी। बता दें कि INS अरिहंत भारत का पहली मिसाइल पनडुब्बी है। आइए जानते हैं INS अरिहंत के बारे में 10 रोचक बातें। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। पहला तथ्य, INS अरिहंत को इस तरह बनाया गया है कि ये पानी, जमीन और आसमान में भी अपने दुश्मनों का आसानी से सफाया कर सकता है। तीनों अस्त्रों की सुरक्षा के कारण इसे न्यूक्लियर ट्रायड भी कहा जाता है। दूसरा तथ्य, इस पनडुब्बी का नाम अरिहंत इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मतलब होता है दुश्मनों को नष्ट करने वाला। इस पनडुब्बी के परीक्षण किया गया है। भारत को साल 2019 तक एक और पनडुब्बी INS अरिहंत की उम्मीद भी की जा रही है। तीसरा तथ्य, INS अरिहंत का वजन 6000 टन है। इसके साथ ही इसमें 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें डाली गई हैं। अरिहंत को एक कोड नेम भी दिया गया है, जो कि APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। मिसाइल को के कोड नेम दिया गया है। चौथा तथ्य, INS अरिहंत में 15 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है, जो कि 750 किलोमीटर तक दुश्मनों को मारने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही इसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो कि 3500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को आसानी से टारगेट बना सकती है। पांचवा तथ्य, आपको बता दें कि सबसे अधिक पनडुब्बी की लिस्ट में अमेरिका सबसे पहले नंबर पे है। अमेरिका के पास 70 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बी है। दूसरे स्थान पर रूस है, उसके पास 30 परमाणु पनडुब्बी है, जबकि तीसरे स्थान पर UK है, उसके पास 12 परमाणु पनडुब्बी है। इसी लिस्ट पर अब भारत भी शामिल हो गया है। आगे 6 और ऐसे ही न्यूक्लियर पनडुब्बी नेवी में शामिल होने वाला है, जो भारत की तरफ बुरी नजर रखने वाले देशों को एक चेतावनी है, खासकर कुछ पड़ोसियों को जो कि समय समय पर न्यूक्लियर हमले करने की धमकी देता रहता है। छठा तथ्य, भारत इस पनडुब्बी का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और इसके शामिल होने से सेना की ताकत काफी बढ़ गई है। 6000 टन की INS अरिहंत ऐसे इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां से दुश्मन परमाणु हमला करने की धमकी देता है और जरूरत होने पर दुश्मनों पर तुरंत हमला किया जा सके। सातवां तथ्य, आपको बता दें कि INS अरिहंत को 1970 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कई कारणों के चलते इसे समुद्र में नहीं उतारा जा सका। साल 2009 में PM मनमोहन सिंह ने इसे लॉन्च किया था, जिसे मोदी जी ने सोमवार को नेवी में शामिल किया। आठवां तथ्य, इस पनडुब्बी में इतनी क्षमता है कि यह आसानी से किसी भी शहर को मिनटों में बर्बाद कर सकती है। इसके साथ ही दुश्मन इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसकी खासियत यह है कि यह लंबे समय तक गहरे पानी के अंदर रह सकती है। क्योंकि यह एक परमाणु पनडुब्बी है, इसलिए इसे बार बार पानी के ऊपर ऑक्सीजन लेने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह पनडुब्बी कई महीनों तक बिना किसी के नजर में आए पानी के अंदर रहने में सक्षम है। नौवां तथ्य, INS अरिहंत की सफलता भारत की सुरक्षा जरूरतों को ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा करेगा। ये बाहरी खतरों से 130 करोड़ भारतीयों की रक्षा करेगा और क्षेत्रों में शांतिमय वातावरण बहाल करने की योगदान देगा। दसवां तथ्य, इस पनडुब्बी के अलावा भारत 6 और पनडुब्बी बनाएगा। इसी कड़ी में अगला जो पनडुब्बी होगा उसका नाम INS अरिघाट है, जिसका हाल ही में समुद्री ट्रायल भी शुरू किया गया है। भारत के दो तरफ दुश्मन हैं और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए
हर वक्त दुश्मनों के किसी भी नापाक हरकतों का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, यह था भारत की शक्ति जो आज दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।